नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार हमारी यूट्यूब चैनल एसपी गेमिंग में। तो आज हम आपके लेकर आते हैं न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो हम टॉप 5 ऐसे फ्री फायर के फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिन चीज़ों को नूब लोग बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं, जो न्यू प्लेयर हैं या नूब हैं उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। लेकिन वहीं बात की जो मतलब लेजेंड प्लेयर की, जो प्रो प्लेयर हैं, लेजेंड प्लेयर हैं, वो इसमें तो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही हेट करते हैं हमारे गेम में। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको नूब लोग पसंद करते हैं, न्यू प्लेयर लोग पसंद करते हैं और लेजेंड प्लेयर हेट करते हैं, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं टॉप 5 चीज़ के बारे में। तो ये वीडियो अगर आप फ्री फायर लवर हो तो वीडियो आपके लिए होने वाली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आप भी इन फैक्ट्स को पसंद करते हो ये वीडियो देख करना छोड़ दोगे, क्योंकि आप अब नूब तो बनना नहीं चाहोगे, नूब प्लेयर तो बनना नहीं चाहोगे। इसीलिए आपके लिए वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, तो वीडियो को अंत तक जरूर बन जाएगा। दोस्तों टाइम को बिना वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर चैनल पे लाते रहते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों नंबर 5 पे जो चीज़ आती है जिसको नूब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मतलब लेजेंड लोग हेट करते हैं, वह टीम अप और रैंक पुशिंग। आप अगर किसी लेजेंड प्लेयर से पूछोगे तो मतलब मरना पसंद कर लेगा, लेकिन वो टीम अप करना पसंद नहीं करेगा। और पहले तो सोलो में टीम अप होता था, लेकिन आजकल स्क्वाड में भी लोग टीम अप कर ले रहे हैं। अगर आपके स्क्वाड के 3 बंदे मर चुके हैं, अगर आप अकेले बच्चे हो तो मतलब आप टीम अप करने लगे। अगर आप नूब हो तो नूब प्लेयर होते हैं, वो डर के मारे टीम अप करने लगते हैं। लेकिन जो लेजेंड प्लेयर होता है वो दिखाता है कि मतलब क्लच कैसे किया जाता है, 1v4 हो, 1v3 हो, कोई भी सिचुएशन हो, मतलब अपने टीम अप अपने टीम को दिखाता है कि मतलब वो खेल सकता है हर एक सिचुएशन में। इसीलिए वो मतलब लेजेंड प्लेयर है, मतलब वो टीम अप करना कभी पसंद नहीं करेगा। अगर आप टीम अप करना पसंद नहीं करते हो, लिटरली आप भी एक प्रो की लिस्ट में आते हो। लेकिन अगर आप टीम अप करते हो तो आप मतलब बिल्कुल लूज हो भाई। टीम अप करना क्या है, तुम खेलते ही क्यों हो, जब डरते हो तो खेलते ही क्यों हो। और सेकंड पार्ट ये रैंक पुशिंग। रैंक पुशिंग अगर आप किसी भी लेजेंड प्लेयर से पूछोगे तो रैंक पुश नहीं करते हैं, भले ही वो प्लेटिनम पे हो लेकिन वो रैंक पुश नहीं करते हैं। अगर आप किसी बंदे को देखो तो रैंक से बहुत डरते हैं, वो प्लेटिनम पे होते हैं, गोल्ड पे होते हैं, फिर भी उनको रैंक माइनस का डर लगता है। तो ऐसा लोग न्यू प्लेयर ही करते हैं। जो लेजेंड प्लेयर होते हैं, जो प्रो प्लेयर होते हैं, उनको रैंक से माइनस से डर नहीं लगता है और रैंक पुशिंग कभी करते भी नहीं है। लेकिन जो न्यू प्लेयर होते हैं वो मतलब पानी में उतर जाएंगे, फैक्ट्री के सबसे ऊपर उतर जाएंगे, टावर पर उतर जाएंगे, घर के ऊपर उतर कैंप करते हैं, फिर मतलब बहुत ज़्यादा ही हेट करते हैं प्रो प्लेयर, और न्यू प्लेयर इनको बहुत ज़्यादा लव करते हैं। तो आप मेरे को कमेंट से बोल देना कि आप इनको हेट करते हो या लव करते हो, मेरे को कमेंट में जरूर बोल देना। दोस्तों हमारे नंबर 4 पे जो आइटम आती है जिसको न्यू प्लेयर और न्यू प्लेयर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वह है डबल वेक्टर। आप डबल वेक्टर हमें जानते हो, और अगर प्रो प्लेयर हो तो डबल वेक्टर आपको 1% भी मतलब 0.009% भी आप मतलब लव नहीं करते होंगे। लेकिन वहीं बात की जाए न्यू प्लेयर और न्यू प्लेयर की, तो वो डबल वेक्टर को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं, और इसमें हमारे गेम में बहुत ज़्यादा ही डिसबैलेंस हो जा रही है हमारे गेम आजकल डबल वेक्टर से। आप लोग बहुत से बड़े बड़े टूर्नामेंट में देखोगे तो लास्ट जोन में जितनी बंदे लाइव रहते हैं सारे डबल वेक्टर ले खेलते हैं। लेकिन डबल वेक्टर आपको पता है कि जब डबल वेक्टर एक साथ दो दो वेक्टर आ जाती है, और फ्री फायर की बहुत ज़्यादा ही डेंजरस गन है। लेकिन इसके बाद भी प्रो लोग होते हैं वो डबल वेक्टर मतलब चलाना अपनी बेइज्जती समझते हैं। आप मेरे कमेंट्स कर देना आप डबल वेक्टर चलाते हो नहीं चलाते हो। आई होप आप भी मतलब बेइज्जती समझते हो डबल वेक्टर, और आप प्रो होगे तो आप डबल वेक्टर नहीं यूज़ करते होगे। और वहीं बात ये नूब की, तो नूब मतलब बहुत ज़्यादा डबल वेक्टर चलाते हैं। आप क्लासेस को रैंक मतलब कोई भी गेम ले लो, कोई भी मोड ले लो, हर एक मोड में नूब लोग डबल वेक्टर को मतलब पसंद करते हैं, और जो न्यू प्लेयर होते हैं वो भी डबल वेक्टर को पसंद करते हैं। तो आप मेरे कमेंट में जरूर बताना कि आप डबल वेक्टर को पसंद करते हो नहीं करते हो। दोस्तों हमारे नंबर 3 पे जो आइटम आती है जिसको नूब लोग बहुत ही पसंद करते हैं, नूब बोल सकते हो मतलब न्यू प्लेयर बहुत ही पसंद करते हैं, लेकिन जितने भी पुराने प्लेयर हैं लेजेंड प्लेयर हैं बहुत ही हेट करते हैं, वह मतलब रेयर आइटम रिटर्न। अगर पता है हमारे गेम में जो फ्री फायर है रेयर आइटम को रिटर्न में ला देते रहे, और फ्री फायर मतलब पूरी दुनिया की वर्ल्ड की इकलौती ऐसी गन है जिसमें कपड़ों के वैल्यू बहुत ज़्यादा ही है, और इसमें कपड़ों की रेयरिटी है, पता नहीं वो कितने ज़्यादा रेयर रेयर कपड़े हैं, मतलब जो कि कपड़े, और फ्री फायर को कपड़े को रिटर्न करने में कोई भी मतलब पैसा नहीं लगता है, और मतलब फ़ायदा भी कमा लेता है कपड़े को रिटर्न करके। और जो न्यू प्लेयर हैं उन कपड़ों को मतलब चाहते हैं रिटर्न आना, लेकिन वहीं बात की जाए ओल्ड प्लेयर और लेजेंड प्लेयर की, तो मतलब कपड़े को रिटर्न में बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। कपड़े के रिटर्न के कारण कुछ प्लेयर ने तो गेम भी खेलना छोड़ दिया, क्योंकि मतलब फ्री फायर सारे आइटम्स रिटर्न में ला रहा है, जिसको मतलब न्यू प्लेयर बहुत ज़्यादा ही लव करते हैं। लेकिन यही बात जो पुराने प्लेयर की, तो बहुत ज़्यादा इसको हेट करते हैं। तो आपके पास मेरे को कमेंट्स में जरूर बोल देना आप पुराने प्लेयर हो या न्यू प्लेयर हो, जो कि मतलब न्यू प्लेयर हैं इनको बहुत ज़्यादा ही लव करते हैं। मतलब आपको ये भी मेरे को कमेंट्स में बोल देना, मतलब फ्री फायर को कपड़ों की मतलब रेयरिटी कम कर दे रही है, मतलब जो पुराने प्लेयर हैं जो मतलब रेयर कपड़े हैं, जब कपड़े रेयर रहेंगे तभी गेम खेलने में मज़ा आएगा, गेम खेलने में मज़ा ही नहीं आता जब मतलब न्यू प्लेयर को पुराने पुराने कपड़े मिल जाएँ, रेयर रेयर कपड़े मिल जाएँ, मतलब उतना अच्छा वो न्यू प्लेयर की जो पुराने प्लेयर की पहचान होती है वो मतलब एक तरह से मिट ही जा रही है, मतलब रेयरिटी खत्म करते रहे गेम में, जिसके कारण पुराने प्लेयर गेम खेलना बहुत सारे प्लेयर छोड़ दे रहे हैं। तो आप मेरे को कमेंट्स कर देना कि फ्री फायर को मतलब पुराने पुराने रेयर रेयर कपड़े रिटायर में लाने चाहिए नहीं लाने चाहिए, मेरे को कमेंट्स में जरूर बता देना।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने नंबर टू की तरफ है। दोस्तों नंबर टू पे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर चैनल पे लगते रहते हैं। दोस्तों हमारे नंबर टू पे जो आती है रिवाइवल पॉइंट एंड रिवाइव बाई टोकन। आपको तो पता होगा कि आप आजकल गेम में मर जाओगे तो रिवाइव हो सकते हो, लेकिन हमारे मतलब मेरे अनुसार ये सिस्टम उस गेम में होना चाहिए जिससे बहुत बड़े बड़े मैप होते हैं। आपको तो पता होगा कि फ्री फायर मतलब 12 से 15 मिनट में एक गेम खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप न्यू प्लेयर की बात है तो वहीं न्यू प्लेयर एक गेम में कम से कम 4 से 5 बार रिवाइव हो जाता है, और जो मतलब प्रो प्लेयर होते हैं लेजेंड होते हैं वो अकेले ही मतलब लास्ट जून तक सर्वाइव कर सकते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि न्यू प्लेयर रिवाइवल पॉइंट को बहुत ज़्यादा ही लव करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए प्रो प्लेयर की तो रिवाइवल पॉइंट को बहुत ज़्यादा ही हेट करते हैं, क्योंकि आप मतलब गेम खेल रहे हो 15 मिनट का गेम है, अगर आप मतलब सीरियसली मतलब खेल रहे हो, अगर आप रिवाइवल पॉइंट आती है तो लोग कम सीरियस गेम खेलते हैं, क्योंकि उनको पता है अकेले भी रश करने चले जाते हैं। लेकिन जब हम लोग न्यू गेम खेलते थे तो उस टाइम रश करने से मतलब बहुत लोग ज़्यादा डरते थे, क्योंकि अगर आप एक बार मर जाओ तो मतलब आप तो जिंदा अंतिम अगले गेम में होंगे, अगले गेम का तो आप वेट करो तो आपका टीममेट लाइव है, अब तक आप उनका गेम प्ले देखो। लेकिन अभी के टाइम पे देखा जाए तो मतलब कोई भी प्लेयर 1v4 करने चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा टीममेट बैठा है रिवाइवल पॉइंट रिवाइव करने के लिए, और इस सिस्टम को जो है हमारे गेम में आया है तब से मतलब जो भी प्रो प्लेयर हैं वो बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, और ये हमारे गेम में रिवाइवल पॉइंट आया था इसलिए ताकि गेम में रश बढ़े, क्योंकि मतलब कम जोन मतलब छोटे जोन में बहुत ज़्यादा बड़े मतलब सर प्लेयर होते हैं, तो छोटे जोन में भी ज़्यादा प्लेयर लाइव रहे हैं। लेकिन ये मतलब हो गया उल्टा, मतलब सोच लो ये तो फ्लॉप हो गया। आजकल होता है कि दो बंदे एक साथ उतरते हैं, दो बंदे अलग अलग उतरते हैं, और दो बंदे मतलब एक डू खत्म हो जाते हैं दूसरे डू रिवाइव करने के लिए मतलब मौजूद रहते हैं सर्वाइव मतलब रिवाइवल पॉइंट पे या टोकन से, टोकन कलर रिवाइव करने के लिए तैयार होती है। इससे गेम लोग ज़्यादा सीरियस खेल ही नहीं रहे हैं, मतलब सीरियसली मतलब खत्म हो रहा है गेम धीरे धीरे बोल रहे हो तो आप। तो हमारे गेम में रिवाइव टोकन या मतलब रिवाइवल पॉइंट आना चाहिए नहीं चाहिए भी आप मेरे कमेंट्स में जरूर बोल देना। अगर आप प्रो प्लेयर हो गए, अगर आप प्रो मतलब लेजेंड प्लेयर हो गए तो आप कभी भी नहीं चाहते हो कि मतलब रिवाइवल पॉइंट हमारे गेम में आए, तो ये मतलब उसी गेम के लिए ठीक है जिससे बड़े बड़े मैप होते हैं, जैसे पबजी हो गया, सीओडी हो गया, उसमें मतलब उसकी गेम जो 30-30 मिनट की चलती है तो उसमें रिवाइवल पॉइंट मतलब अच्छा लगता है। लेकिन जो 15 मिनट गेम में हमारे फ्री फायर, इसमें रिवाइवल पॉइंट मतलब क्या काम है भाई, तो गरीना ने मतलब तो गलत ही किया देख करके। तो आप मेरे कमेंट्स में आपका ओपिनियन क्या है आप मेरे कमेंट्स में जरूर बोल देना। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पे द एंड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे कमेंट्स में जरूर बता देना कि आप इनमें से कौन कौन सी आप मतलब थिंग्स को लव करते हो, किस चीज़ को हेट करते हो। मैक्सिमम बंदे इन पांचों थिंग्स को हेट करते हो क्योंकि आप एक प्रो प्लेयर, तो आप मेरे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।